देश में पहली बार कोई महिला मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उत्तर प्रदेश में ही बैठी थी। दिल्ली से पढ़ी और BHU में प्रोफेसर रही सुचेता कृपलानी ने जब सोशलिस्ट लीडर JB कृपलानी से शादी की तो राजनीति में आ गई। शुरुआत उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन से की थी। हालांकि राजनीति में उनकी राह आसान नहीं रही, लेकिन CM की कुर्सी पर बैठने में एक खास वजह उनके लिए फायदेमंद साबित हुई। चंद्रभानु गुप्ता ने आगे किया था नाम। दरअसल कांग्रेस अपने कुछ नेताओं के बढ़ते कद से परेशान थी। यूपी में कई बार मुख्यमंत्री रहे चंद्रभानु गुप्ता का कद इतना बढ़ गया था कि कुछ नेता तो उन्हें नेहरू से ऊपर समझने लगे थे। ऐसे में योजना बनाई गई कि पुराने लोगों को अपने पद छोड़ने होंगे ताकि देश के हर राज्य में पार्टी को मजबूत किया जा सके। इससे चंद्रभानु गुप्ता और उनका पूरा गुट नाराज हो गया। तब चौधरी चरण सिंह, कमलापति त्रिपाठी आदि को पीछे छोड़ने के लिए उन्होंने सुचेता कृपलानी का नाम आगे बढ़ा दिया। साथ में लेकर चलती थी साइनाई। सुचेता हरियाणा के अंबाला में जन्मी थी और उच्च शिक्षित थी। आजादी के समय नोआखाली में हुए दंगों के समय भी सुचेता वहां गई थी। नोआखाली में खुद को इतना असुरक्षित महसूस करती थी कि साथ में साइनाइड लेकर चलती थी। उन पर लिखी गई किताब ग्रेट वुमन ऑफ मॉडर्न इंडिया में लिखा गया है कि उस समय नोआखाली में औरतें सुरक्षित नहीं थी, लिहाजा सुचेता कृपलानी भी वहां अपने साथ किसी अनहोनी के डर से साइनाइड लेकर चलती थी। बाद में उन्होंने साल 1952 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा और जीत भी गई, लेकिन बाद में 1957 में भी कांग्रेस में आ गई और नेहरू ने उन्हें राज्य मंत्री बना दिया। इसके बाद वे गोंडा से जीत कर संसद पहुंची। आखिर में साल 1963 में उन्हें यूपी के CM की कुर्सी पर बिठाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, Z मीडिया।